मुश्किल ये है कि अब हम अम्मा की चाल को नाकाम कैसे बनाएं। इसके लिए ना आपको शैतानी खोपड़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे बड़ी मालकिन करती हैं। तो यानी उंगलियां टेढ़ी किए बगैर घी नहीं निकलेगा। जिला वतन, जिला वतन, जिला वतन, अनीला बनेगी जिला वतन। हाय हाय, बेचारी घर से निकल कर कहाँ जाएगी? वो क्या है ना, मुंह का थूका है, कहीं भी जाए मेरी बला से। कैसा मेरा नसीब है। किसी ने मुझे बताया तो मैंने सोचा कि मैं अपने दिल पे बोझ क्यों रखूं। कम से कम सबको बताने से पहले एक बार मुझसे हकीकत जानने की कोशिश तो की होती। यार अब हम लोग बिजनेसमैन बन गया है और बिजनेस के लिए ठिया यानी ऑफिस होना लाजमी है। मतलब कि आज से हम इस ऑफिस से अपना बिजनेस शुरू करेंगे। मैं तुझे ये बता रही थी कि अधीन ने ना सुन लिया था कि अनीला जो है ना सलीम के नाजायज बच्चे की माँ है। क्या? तो फिर अनीला की तलाक पक्की है? तुम्हारी ये सुई बार बार अनीला पर आकर क्यों अटक जाती है? तुम जानती हो ना कि अदील उसे कितना प्यार करता है। इसीलिए तो कह रही हूं, जिससे मोहब्बत की जाती है उसको भी तो सच्चा होना चाहिए ना। दुल्हन को भूखा मारने का प्रोग्राम रखा हुआ है क्या? उठो और कुछ पकाओ मेरे लिए। लेकिन खाने में तो अभी बहुत टाइम है। मगर मुझे अभी भूख लगी है। तुमने मेरी प्रेगनेंसी वाली बात किसी को बताई तो नहीं ना? ना जी ना, कसम ले लें। अब नहीं नहीं, मुझे तुम पर एतबार है। अच्छा मांगो, शादी पे क्या चाहिए, जो तुम कहोगी वो मैं तुम्हें मंगा के दूंगी। अम्मी, अब्बा नहीं आया अब तक? बस आने ही वाले हैं। अच्छा बात सुनो। अब बेटा अब्बू आए ना तो उनसे कोई ऐसी वैसी बात मत करना। नहीं अम्मा, अब्बा का तो बताना ही पड़ेगा। नहीं बेटा, मैं नहीं चाहती इस घर का सुकून बर्बाद। जी अम्मा, जैसे आपका हुक्म। सबर करो बेटा, सबर का फल मीठा होता है। देखते हैं। वो बेटा खाना तैयार है, बहुत भूख लगी। जी अब्बा, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। अच्छा वो इजहार और उसकी बीवी को भी बुला लो। भाई तो काम से बाहर गए हुए और उनकी बीवी ने खाना खा लिया है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हो सकता है उसे जल्दी भूख लगी हो। अब्बा फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है बेटा। क्या बात है, आज बड़े थके हुए लग रहे हो। हाँ यार, काम हाथ की मेहनत का तो नहीं लेकिन दिमाग का बहुत इस्तेमाल करना पड़ता है। ये तो हर बिजनेस में होता है। अच्छा छोड़ो, वो एक बात करनी थी तुमसे। बोलो मेरे राजा, क्या बात करनी है? वैसे ही पूछ रहा हूँ कि तुमने रूबी को थप्पड़ मारा है। मेरे साथ बदतमीजी करी थी तो छोटी समझ के मार दिया। नहीं मतलब यही नहीं कह रहा मैं, मगर समझा करो, ये थोड़ा बहुत रौब जरूरी है वरना ये लोग ना हमें यहाँ से चलता कर देंगे। बहरहाल देखो, हम ना हम इन्हीं के घर पे रह रहे हैं तो हालात बिगड़ ना जाए बस। तुम फिक्र मत करो, तुम जानते हो ना कि मैं किसकी बेटी हूँ। हाँ सासू माँ की, जो अपने शौहर की भी नहीं हो सके। वैसे ही कहा था, थका हूं। क्या हुआ शगुफ्ता? पता नहीं पापा, शायद अचानक चक्कर आ गया तो नीचे गिर गई। मैं झूठ बोल रही है, ये आपसे कह रही थी ना। क्या क्या हुआ क्या? इसने मुझे धक्का दिया। नहीं नहीं नहीं,
नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कोई धक्का नहीं दिया इनको, इनको शायद चक्कर आ गया था इसलिए नीचे गिर गई हैं। चलो चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, डॉक्टर के पास चलते हैं। मेरा बच्चा, हमारा बच्चा मराजी। चलो चलो डॉक्टर के पास चलो ना, चलो तुम डॉक्टर को बुलाओ यार, ड्राइवर को बुलाओ। अपनी अपनी इसने जो कह डाला था ना वो डाल दिया। इस हरकत के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकूंगा। पापा मेरा यकीन करें, पापा मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने मैंने धक्का नहीं दिया, शायद इन्हें चक्कर आ गए थे, मेरा कोई कसूर नहीं है पापा, प्लीज मेरा यकीन करें। आप राजी, मेरा कसूर है, मैं ही तो सीढ़ियों से उतर रही थी ना। चल चलो चलो चलो, शाबाश, उठो, हिम्मत करो, हिम्मत करो, शाबाश, चलो कमरे में चलो। तुम अब क्या लेने आई हो, तमाशा देखने आई हो कि तुम्हारा प्लान कामयाब रहा या नहीं? नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझसे कसम ले ले, मैंने मैंने कुछ नहीं किया है, और अभी तो मैं बस आपकी तबीयत पूछने आई थी। तुमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया तुमने, मेरी को उजाड़ दी तुमने, जरा रहम नहीं आया तुम्हें मुझ पर, जालिम कहीं की। आपको अल्लाह का वास्ता है, प्लीज मुझ पे ऐसे इल्जाम मत लगाएं। मेरे अंदर अभी अल्लाह का खौफ बाकी है, मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। ए मेरे सामने ना ज्यादा भोली बनने का नाटक मत करना, समझी, तेरी रग रग से वाकिफ हूं मैं। मैं कोई नाटक नहीं कर रही, मैं जानती हूं इसका ठेका तो आपने ले रखा है। वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। देखें, मैं आपको सिर्फ एक मशवरा देने आई। अच्छा अच्छा, और तुम्हें लगता है कि मैं शगुफ्ता तुम्हारे मशवरे पर अमल करूंगी? अगर कर लेंगी तो इसमें सिर्फ आपका फायदा है। अच्छा चलो जरा मैं भी तो सुनूं, तुम्हारी जहरीली जबान से क्या मशवरा निकलता है? देखें, इतना कुछ हो गया है तो मैं समझती हूँ आपको DLC करा लेनी चाहिए। अब वो क्या होती है, कहीं तेरा मतलब वही तो नहीं जो मैं सोच रही हूँ? आपके बदन में जहर भी फैल सकता है। बहुत ख्याल है ना तुझे मेरा, ये जहर भी तो तूने ही फैलाया है, जहरीली नागिन। अल्लाह मुझे तेरे इस चर से और तेरे जहर से महफूज रखे। देखें, अगर आप मेरा मशवरा मान लेंगी तो इसमें आपकी ही भलाई है। अच्छा अच्छा, देखूंगी देखूंगी, जाओ यहां से। वैसी तुम्हारी शक्ल देख के मेरा BP हाई हो रहा है। अच्छी बात है। अच्छा अच्छा, तो तुझे मैं बताऊंगी। पापा पापा, मुझे आपसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। पापा प्लीज, क्या आप अपनी नाराजगी खत्म नहीं कर सकते? जो कुछ तुम कर चुकी हो उसके बाद भी? पापा मैंने कुछ नहीं किया है, मैं किस तरह आपको अपनी बेगुनाही का सबूत दूं? अपनी सफाई देना बंद करो और कहो क्या कहना चाहती हूँ। पापा मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, मैं अदील के मुतालिक आपसे बात करना चाहती हूँ, प्लीज पापा प्लीज एक बार मेरी बात सुन लें। ये तुम्हारा और तुम्हारे मियाँ का मामला है ना, तुम लोग खुद डिस्कस कर लो,
You don't need me for that. आखिर इस घर में कोई मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहा है? मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम जैसी नर्म मिजाज लड़की इतनी कठोर दिल भी हो सकती है किसी के लिए। नहीं पापा, मैंने कुछ नहीं किया। आप मुझ पे शक कर रहे हैं। मुझे और कोई बात नहीं करनी है, प्लीज। लेकिन मैं करूंगी, प्लीज प्लीज पापा, एक बार ठंडे दिमाग से मेरी बात गौर से सुन ले, फिर उसके बाद आपका जो फैसला होगा मुझे कबूल होगा। मैंने कह दिया ना, मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो भी मुकाम था वो अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। सो नो डिस्कशन प्लीज। पापा तो फिर आप बताएं, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? तुम यहीं रुको, मैं चला जाता हूं। पापा प्लीज। हर एक खुशी है ओझल, हर गम करीब है, हैरान हूं कि कैसा मेरा नसीब है। कौन सी फिल्म देख रहे हो, मुझे भी तो दिखाओ। अरे यार, फिल्म नहीं देख रहा, ऑफिस का काम कर रहा हूँ। अरे वाह, मेरा शौहर इतना मेहनती हो गया कि ऑफिस से काम घर भी लेके आ रहा है। सब तुम्हारी दुआ है। अच्छा, मतलब मेरी दुआ में इतना असर है, तो बन जाऊं मैं भी माई मस्तानी, कम से कम घर में एक्स्ट्रा आमदनी आएगी। माई मस्तानी कौन है? एक सियानी, सिर्फ 10 सियानियों में से एक अम्मा को भी चूना लगाया था। हर शेर को सवा शेर होता है। क्या जरूरी है? क्या करूं, किसको बताऊं यार, कैसे बताऊं? मुझे बता दे तड़का लगा के। तुम्हें? हाँ, बात किया जिसने तुम्हें परेशान किया? अरे रेशमा, बात ही ऐसी है। बात ऐसी है तो अदील साहब को बता दो, जा मलिक साहब को बता दो, नहीं सुनता कोई तो अनिला बीबी को बता दो। रेशमा, अरे यही तो मुसीबत है, मैं किसी को नहीं बता सकता। है? क्यों? क्यों नहीं बता सकते? अरे रेशमा, तुम्हें पता है ना, कौन मेरी बात पे यकीन करेगा, किसको बताऊं? कोई भी मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा। और सुन, तू भी किसी को कुछ मत बताना। पहले मुझे बताओ बात क्या है। अच्छा मेरी बात सुन, वो जो बड़ी मालकिन है ना, उसको मैंने खुद देखा है अनिला बीबी से टक्कर आते हुए। है? ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें कैसे पता? अरे मैं किचन में काम कर रहा था, मैंने खुद देखा है उनको। ओ अच्छा, ये बड़ी मालकिन ने चाल चली है। हैं? रेशमा कौन सी चाल? छोड़ो छोड़ो, इन चीजों को, खाने की तैयारी करते हैं, चलो। ए लड़की, इधर आओ। मेरा नाम रूबी है। मालूम है मुझे, रूबी नाम मेरे से तुम्हारी औकात नहीं बदल जाएगी। भाभी प्लीज, आप मुझसे अच्छे से भी बात कर सकती हैं, आप इस तरह क्यों हमेशा जहर उगलती हैं अपनी जबान से? मुझसे जबान लड़ाने का अंजाम जानती हो तुम? काम क्या है भाभी, आपने आवाज दी थी। ये कमरा देख रही हो? हाँ भाभी, अभी इतनी अंधी भी नहीं हुई। तुम्हारी आंखें नोच के ना तुम्हारे हाथ में रख दूंगी, अगर आइंदा मेरे साथ जबान चलाई तो। जानती हो ना, आमना नाम है मेरा। भाभी काम क्या है ये बताएं। ये कमरा कितना गंदा हो रहा है, सफाई कौन करेगा, तुम्हारा बाप? मैं कर दूंगी, आप फिकर नहीं करें। तो कब करोगी, जब मेरे सारे ब्रांडेड कपड़े धूल से अट जाएंगे? मैं झाड़न लेकर आ जाती हूँ, फिर सफाई कर लूंगी। हाँ जाओ, और वापसी आते हुए मेरे लिए एक कप चाय बनाती लेके आना, तुम्हारी बातों से ना मेरे सर में दर्द हो गया है। जी।
हाँ तो रेशमा, देखा कैसा लगा मेरा तुरप का पत्ता? क्या मतलब? भाई देखो, हमल का मसला भी हल हो गया और सारा इल्जाम भी अनिला के सर आ गया। आपके दिमाग में ऐसे आइडिया आते कैसे हैं? बेटा बड़े जरखेज दिमाग की मालिक हूँ मैं। ऐसी चाले चलना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आपने तो सबको नीला बीबी के खिलाफ कर दिया है ना? इससे ही तो कहते हैं नहले पे दहला। बढ़िया ही थी मुझसे अटकने, अब दीवारों पर टकराती पड़ेगी। वैसे बड़ी मान के मानना पड़ेगा, आपकी चालों के आगे तो शैतान भी शर्मिंदा हो जाए। वैसे तूने शैतान का बहुत अच्छा जिक्र किया, वो बेचारा तो खुद मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आता है। अच्छा जी, आई है ऐसी जुमला बोल रही हूँ, दिमाग पे मत ले लेना। अब इसका अंजाम क्या होगा? भाई मेरी नजर में तो एक ही अंजाम हो सकता है। वो क्या बीबी जी? वो ये कि ये अनिला इस घर से दफा दूर कर दी जाए। क्या वाकई ऐसे ही होगा तड़का लगा के? बस अब तुम देखती जाओ कि कैसा तड़का लगता है, क्योंकि सब जानते हैं शगुफ्ता नाम है मेरा और मेरा काम है शगुफे छोड़ना। जाओ। इधर बेटा, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करना है। जी बाप, लेकिन जल्दी कहे। वो क्या है ना कि आजकल मेरा शुमार दुनिया के मसरूफ तरीन इंसानों में होने लगा है। वो तो ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है तुम बुरा नहीं मानोगे। अरे अब्बा, आप मेरे बाप हैं, बोले क्या बात है। बेटा, इस सारे घर का खर्चा तुम्हारी माँ सिलाई करके पूरा कर रही है। हाँ वो तो है बेटा, तुम दोनों के इजाफे के बाद घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। अच्छा तो अब्बा यूं बोले ना कि हम दोनों की दो रोटियां आप पे भारी पड़ रही हैं। सच पूछो तो यही बात। तो आप क्या चाहते हैं? तुम जो काम भी कर रहे हो, किचन के खर्चे में अगर थोड़ी मदद कर दोगे तो आसानी हो जाएगी। किचन की मद में? अब्बा इस किचन में बनता ही क्या है, मेरी बीवी बड़े खानदान की है और जो इस किचन में बनता है ना वो उसके मायार का तो बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए तो कह रहा हूँ बेटा कि तुम अगर थोड़ी मदद कर दोगे तो यहाँ पे कोई बेहतर खाना बनना शुरू हो जाएगा। और हम अपना किचन अलग कर लें तो? तो फिर तुम्हारी बीवी को किचन में काम करना पड़ेगा, और तुम तो जानते हो कि तुम्हारी बीवी खाना पकाने में कितनी माहिर है। क्या बोल दिया तूने? ये तो मैं भूल ही गया था कि ऐसे में तो आमना को ही खाना पकाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं संभालता हूँ। हाँ तो बताओ ना, क्या फैसला किया, तुम्हारा किचन अलग कर दे या किचन के खर्चे में हाथ बटाओगे? नहीं नहीं अब ऐसी बात भी नहीं है, आपका बेटा हूँ, इतना बेगैरत भी नहीं हूँ कि घर वालों का ख्याल ना रख सकूँ। अब्बा ये पैसे रखें, बाकी मैं बाद में कर दूंगा। सही, अभी मुझे देर हो रही है। अल्लाह हाफिज। तो ये बात है जी, आप तो जानती हैं ना मैं आपसे कोई बात नहीं छुपाती तड़का लगा के। जानती हूँ। उन्होंने जो चाल चली थी ना मैंने आपको बता दी है। मुश्किल ये है कि अब हम अम्मा की चाल को नाकाम कैसे बनाएं? इसके लिए ना आपको शैतानी खोपड़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा जैसे बड़ी मालकिन करती हैं। तो यानी उंगलियां टेढ़ी किए बगैर घी नहीं निकलेगा, यही समझ लीजिए। वैसे मानना पड़ेगा
अम्मा ने पता तो बड़े काम का फेंका है। मैं भी घबरा गई हूँ, अब इसका क्या तोड़ करना चाहिए। ये जी दो दिमागों का खेल है, जिसका दिमाग चलेगा वही जीतेगा। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तो फिर आपने क्या सोचा है जी? इसके लिए तो बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, ऐसे ऐसे अचानक प्लान नहीं बन सकता। लेकिन इतनी देर नहीं कर दीजिएगा जी कि डोर का सिरा ही हाथ से निकल जाए। मैं जल्दी कुछ सोचती हूँ, और तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे वक्त पर आगाह कर दिया। ये तो जी मेरा फर्ज था तड़का लगा के। ठीक कह रही हो, ऐसे मुझे भी अब कोई तड़का लगाना पड़ेगा। ये कैसे कपड़े हैं? ये गरीबों के कपड़े। हाँ, ऐसे कपड़े तो गरीब ही पहनते हैं। अच्छा सुनो। बोलो। वो मेरी ना दो कमीजें कंधे से उखड़ गई हैं, तो जरा उन्हें सी देना। मुझे दे देना, मैं ठीक कर दूंगी। अच्छा एक बात और। वो क्या? वो मेरी ना टांगे बहुत दर्द कर रही हैं। दवा मंगवा दूं? मेरे बाप का कोई हराम का पैसा नहीं है जो मैं दवाई पे जाया करूं। फिर कैसे ठीक होगा? ये सिलाई वलाई जरा बाद में करना, पहले मेरे पांव दबाओ। मैं तुम्हारे पांव दबाऊं? हाँ हाँ, जरा दबा दोगे तो तुम्हारे हाथ नहीं टूट जाएंगे। इजहार के अब्बू घर पे ही हैं। अगर उन्होंने अगर घर पर हैं तो तुम टांगे दबाओ, बहुत दर्द हो रहा है कसम से। दबाओ। भाभी, आप अम्मी की खिदमत करने के बजाय उन्हीं से अपनी खिदमत करवा रही हैं। तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है तो तुम आके दबा दो। हाँ, ऐसे थोड़ा जोर से ना। क्या हो गया है? फोन क्यों नहीं उठा रही है? पागल नहीं तो? हाँ अम्मा बोलो। इतनी देर से फोन कर रही हूँ, कहाँ मरी हुई थी, फोन क्यों नहीं उठा रही? खिदमत अम्मा, खिदमत। क्या क्या क्या, तूने वहां खिदमत शुरू कर दी? वैसे तो बड़ी पींगे मार रही थी, तूने तो मेरा नाम ही डुबो दिया आमना। खिदमत की नहीं, खिदमत करवा रही थी, अपनी सास से पांव दबा रही थी। वाह वाह वाह, डायरेक्ट सांस का निशाना। तुम्हारी बेटी हूँ अम्मा, हल्का हाथ तो मैं भी नहीं रखती। ये बताओ फोन कैसे किया, मेरी याद आ रही थी या कोई दूसरी बात है? अरे मेरी बच्ची, तेरी याद जो आ रही थी, और एक दूसरी वजह भी थी। और वो दूसरी वजह क्या है? माँ, ये तो तुमने बड़ी गजब की चाल चली है। और तू देख लेना, इसका तोड़ तो सनीला के बाप के पास भी नहीं होगा। माँ, नीला का बाप तो मेरा भी बाप था ना। अरे क्या हो गया, महावरे भी नहीं समझती, महावरतन बोल रही हूँ। तो अब अनीला का क्या बनेगा? वही जो मैंने सोचा है, वो गाना है ना, मुझे उसका वो भूल गया क्या किस तरह होता है, मगर था वो लफ्ज कुछ ऐसे ही, जिला वतन जिला वतन जिला वतन, अनीला बनेगी जिला वतन। हाय हाय, बेचारी घर से निकल कर कहाँ जाएगी? वो क्या है ना, मुंह का थूका है, कहीं भी जाए मेरी बला से। तुम तो जरूर खबर रखोगी ना कि वो कहाँ जाएगी। भाई अब मुझे क्या जरूरत पड़ी है, कहीं भी जाए मरे। इसलिए कि तुम्हें आइंदा भी वहां से उसे दफा करना होगा ना। तू भी ना। ये कैसा नसीब है मेरा, हर बुराई की जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी जाती है।
ए मेरे अल्लाह, तू गवाह है कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो फिर मेरे साथ ये सब क्यों होता जा रहा है? क्या मेरी जिंदगी में सुकून नाम की कोई चीज नहीं? दादू ने डांट दिया। हाँ तो कोई बात नहीं, दादू आपसे प्यार भी तो इतना करते हैं ना, और मम्मा भी आपसे बहुत प्यार करती हैं। मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, फुहार बड़ी खूबसूरत लग रही है। तुम कहाँ सोचे में खो गए यार, दबाओ ना। मलिक साहब, ये सोचे मुझे बहुत परेशान कर। क्या सोचे तुम्हारी? ओ शादी है ना, शादी की डेट? अरे नहीं मलिक साहब, शादी तो हो जाएगी, लेकिन ये घर का जो अजीब माहौल हो रहा है ना, मैं तो इसके बारे में सोच रहा हूँ। इसको सोच सोच कर तो हम भी परेशान हैं यार, लेकिन तुम्हें क्या परेशानी है बताओ। मलिक साहब, ये जो कुछ भी घर में हो रहा है ना, ये अच्छा नहीं हो रहा। किसके साथ? अनिला भाभी के साथ। तुम उसकी तरफदारी करना छोड़ दो, समझ गए? मैं तरफदारी नहीं कर रहा मलिक साहब, आपने खुद ही कहा था कि हमेशा हक और सच का साथ देना चाहिए। मैंने ही कहा था, लेकिन इस वक्त अनिला हक पर नहीं है। नहीं नहीं मलिक साहब, यह गलत बात है, अनिला भाभी को कोई कसूर नहीं है। अब तुम उसकी बेजा हिमायत करना बंद करो, समझ गए? और चलो दबाओ। मलिक साहब, ये जो बड़ी मालकर वाला मामला हुआ था ना, उसमें अनिला भाभी का कोई हाथ नहीं है। शगुफ्ता कह रही है कि उसने उसे धक्का दिया था। नहीं मलिक साहब, ये झूठ है। ये तुम कैसे कह सकते हो? क्योंकि मलिक साहब, मैं किचन में काम कर रहा था, मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा। बेटा बात सुने, ये ठीक नहीं है। सब क्या ठीक नहीं है? सही बेटा, जो घर में सब खा रहे हैं वही आपको भी खाना चाहिए। मेरे घर में तो कई किस्म के खाने पकते थे, और यहाँ बहुत सड़ा हुआ खाना पकता है जो मुझे हजम नहीं होता। हम भी तो सब वही खाते हैं, और अपनी हैसियत के मुताबिक खाते हैं। आपकी और मेरी हैसियत में बहुत फर्क है बेटा। इतना गुरूर और तकब्बुर अच्छा नहीं होता। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। आपको अपना दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ तुम समझाने की कोशिश कर रही हूँ। लगता है आपका दिमाग भी आपकी टांग की तरह लड़खड़ाने लग गया है। और आप होते कौन है मुझे समझाने वाले? मैं ससुर हूँ तुम्हारा, तुम्हारे शौहर का बाप। तो मेरा बाप बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? बहू इतनी बदतमीजी अच्छी नहीं होती। मैं बहू हूँ, मुझे कुत्तों की तरह भव भव करना नहीं आता। और हटे मेरे रास्ते से, मेरा खाना ठंडा हो रहा है। बेटा तो था ही नाफरमान, बहू उससे भी दो कदम आगे निकली। क्या बात है, आज तो बड़ा खुश नजर आ रहे हो। हाँ, क्योंकि हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल पड़ा, इसलिए आज मेरा मूड भी फ्रेश है। अच्छा, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। वो जो तुमने किसी खान के साथ काम शुरू किया है, वो कहीं तुम्हें धोखा तो नहीं दे देगा? हाँ। वो मरकर भी मुझे धोखा नहीं दे सकता। हाँ अलबत्ता मैं उसे धोखा दे सकता हूँ।
तुम ही तो हो सैया धोखेबाज। कम से कम तुम्हारे साथ तो कोई धोखा नहीं किया ना मैंने। तो मैंने कौन सा किया? देखो ना, अपना आलीशान बंगला छोड़ के तुम्हारे इस उजाड़ चमन में आ गई। और जनाब, मेरी मोहब्बत का सबूत यह है कि मैंने तुम्हें अपने घर वालों पे तरजीह दी। क्या खाक तरजीह दी? मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम अम्मा और अब्बा के साथ कितनी बदतमीजी कर रही हो, और रूबी को तुमने जूती की नोक पे रखा हुआ। लेकिन कभी मैंने तुमसे शिकायत की? हालांकि मैं इन लोगों से कितने अरसे बाद मिला हूं। हाँ, तो याद भी तो तुम इन्हीं को कर रहे थे उस दिन। ना तुम उस दिन याद करते, ना हम उस जन्नत से निकाले जाते। तुम फिक्र मत करो मेरी जान, हम अपनी जन्नत खुद तामीर करेंगे। अच्छी लग रही हो आज। थैंक्स।